दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाला के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों बाला बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और ये फिल्म आयुष्मान खुराना की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बनने वाली है। दोस्तों बाला को पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के कारण ही ये फिल्म और भी ज्यादा कलेक्शन कर रही है। अब आयुष्मान की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट और सुपर हिट होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म ड्रीम गर्ल 150 करोड़ क्लब में शामिल होते होते बची थी। अब पूरा चांस है कि आयुष्मान की ये फिल्म 150 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि बाला ने अपने पहले दिन में 10 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 15 करोड़ 73 लाख का कलेक्शन किया था, तो तीसरे दिन में 18 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया है और चौथे दिन में 9 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म के 4 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 52 करोड़ 95 लाख हो चुका है। दोस्तों इस फिल्म का बजट 25 करोड़ है और ये फिल्म को सिर्फ 4 दिनों में हिट का टैग मिल चुका है, पर ये फिल्म हिट या सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित होगी। वहीं दोस्तों इस फिल्म के पांचवें दिन की कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 6 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। गुरु नानक जयंती की छुट्टी होने के कारण ये फिल्म आज भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली है। दोस्तों वहीं इस फिल्म के मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 12% से 14% तक की नजर आई है। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग रिपोर्ट और ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से जो इस फिल्म के पांचवें दिन का एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ रहा है वह 13 करोड़ का, यानी ये फिल्म अपने पांचवें दिन में 13 करोड़ तक कलेक्शन करने वाली है। और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों का टोटल नेट कलेक्शन 65 करोड़ होता है, तो 5 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 90 करोड़ होता है। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।